हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे छोटी माता चिकन पॉक्स या खसरा। अगर चिकन पॉक्स छोटी माता हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में एक ट्रेडिशन है कि चिकन पॉक्स माता होने के बाद डॉक्टर को दवाई नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को दवाई से आपको नुकसान नहीं होगा, आपको जो परेशानी है चिकन पॉक्स माता जो निकल के आए हैं, दाने निकल के आए हैं, वो कम हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। अगर फीवर या सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है कॉम्प्लिकेशन, डॉक्टर द्वारा वो रिकवर और जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसलिए इलाज करना चाहिए MBBS डॉक्टर के पास में जाके। चिकन पॉक्स जल्दी कैसे ठीक करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स कितने दिन में ठीक हो जाते हैं, चिकन पॉक्स में क्या नहीं खाना चाहिए, माता निकल आए तो क्या करना चाहिए, खुद इलाज करने के तरीके हमारे चैनल बिल्कुल फ्री और मुफ्त में मिलेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और बेल बटन प्रेस करना होगा ताकि आप तक जल्दी जल्दी वीडियो पहुंच सके और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो टैबलेट अंग्रेजी दवाई में MBBS डॉक्टर द्वारा क्या इलाज होता है माता निकलने के लिए। टैबलेट एसाइक्लोविर 800 mg, एक गोली हर 5 घंटे में दिन में जो है 4 से 5 बार लेना चाहिए। 800 mg की टैबलेट आता है एसाइक्लोविर, मार्केट में अवेलेबल है और वो जो है हर 4 घंटे में 5 बार जब लेंगे आप, सुबह 8 बजे, दोपहर के 12 बजे, इवनिंग के 4 बजे और शाम को 8 बजे और रात को मिडनाइट को 12 बजे दूध के साथ लेना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं। और फिर ये जो है 4 दिन लीजिए 800 mg जो है हर 4 घंटे में 5 बार और फिर उसके बाद जो 3 दिन आपको लेना है 800 mg दिन में 3 बार जो है 3 दिन तक लेना है। मतलब 7 दिन का ये कोर्स है पूरा करना चाहिए। इससे आपका जो है जो क्रॉप्स आ रहे हैं, जो दाने आ रहे हैं एक पानी भरा हुआ, वो कम हो जाएगा। और फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए क्या करें, तो दोस्तों फीवर के लिए बिल्कुल दवाई लेना चाहिए। पैरासीटामोल डोल के नाम से आता है, कालपोल के नाम से आता है, T98 के नाम से आते हैं और बहुत सारे नाम से आते हैं, पैरागार्ड के नाम से आते हैं। तो इस तरह से आपको जो है दवाई लेनी चाहिए। वाइंटमेंट एसीवीर, अब ये दवाई के क्या काम है, चिकन पॉक्स में जो है ये दवाई का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जहाँ दाने हैं सर पे, पूरे बदन पे, बॉडी पे, आपको ये दवाई मतलब लगानी है। वाइंटमेंट एसीवीर क्रीम के तौर पर आते हैं, 5 या 10 ग्राम के पूरे शरीर में लगानी है। और जल्दी से ठीक करने के लिए आपको टैबलेट A to Z मल्टीविटामिन है जो है, मिनरल साथ में है और जो है इस तरह से डेली एक गोली खानी चाहिए 1 महीने तक। और कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं जहाँ जहाँ ठीक होने लग गया है चिकन पॉक्स। वाइटमिन मेलालाइट 15 ये तब लगानी है जब पूरी तरह से दाना निकलना बंद हो जाए और जो क्रॉप्स हैं, जो खरोंटे हैं, जो एक परत है वहाँ हट जाने के बाद में ये दवाई लगानी है। और ये दवाई लगाने के बाद में 1/2 घंटा 1 घंटा धूप में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, तभी बेनिफिट करेगा, सारे धागे चले जाएंगे, सारे दाग धब्बे जितने भी है स्किन के चेहरे के इस दवाई से, मेलालाइट 15 से। और फीवर से परेशानी है, बॉडी एक्स से डिहाइड्रेशन से परेशानी है तो पैरासीटामोल डोलो कालपोल T98 500-650 mg 6 घंटे 8 घंटे आप ले सकते हैं। निमेसुलाइट जो है 100 mg, निमोलिड निशिप नोबेल के नाम से आता है, बॉडी एक कम ना हो, फीवर कम ना हो तो आप ले सकते हैं इसको सुबह शाम। टैबलेट लिबोसिट्राजिन ले सकते हैं, एलरिड लिबोसेट नाम से आता है। एंटीबायोटिक तब शुरू करने जब लगता है कि पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तब जाके एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। कोई एक एंटीबायोटिक जैसे कि GV आता है सिंपल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन के तौर पे, अन्यथा एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ये एक वायरल डिजीज है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन प्रेस करनी होगी और दोस्तों के बीच में शेयर करना होगा, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन फ्री है दोस्तों। चिकन पॉक्स में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, चिकन पॉक्स के मरीजों को फाइट फूड, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे में जो है आप उबला हुआ अंडा खा सकते हैं, बट अंडा कड़ी और जो है अंडा का आमलेट नहीं खा सकते। चिकन पॉक्स के दौरान सिट्रस फूड यानी कि खट्टे फलों को और जूस पीने का बचना चाहिए। साथ ही बहुत अधिक नमक और नमक युक्त फूड, मसालेदार फूड, चॉकलेट, पीनट बटर, मूंगफली जैसी चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए और दाल का सूप पीना चाहिए कम नमक मसाले वाले, और जो है पनीर ले सकते हैं आप, पनीर को आपको सब्जी नहीं बनानी, सिंपल काट के आपको सलाद के रूप में खाना है क्योंकि जख्म के हील होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो एक ऐसा प्रोटीन हो कि जो एसिडिटी भी ना कराए पेट में, के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो एक
ऐसा प्रोटीन हो कि जो एसिडिटी भी ना कराए पेट में।